नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस टॉकिंग। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, उनके लिए कल ही हमने एक वीडियो अपने YouTube चैनल और Facebook पेज लाइव के माध्यम से आप सभी के बीच रखा था, जिसमें कि हमने कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी को एक ईमेल किया है, जिसके बाद हमने आपसे राय मांगी थी कि क्या इस तरह का ईमेल आप भी करना चाहते हैं, ताकि विपक्ष के जो नेता हैं श्री राहुल गांधी अपने कांग्रेस पार्टी के चुनाव मैनिफेस्टो में आपके सहारा इंडिया फर्जीवाड़े की जांच और पैसा वापसी को शामिल कर सके। जिसके बाद आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट्स हमें मिला और आप लोग भी इस तरह का ईमेल करना चाहते हैं। ये हो सकता है कि मेरे एक ईमेल पे उनकी नज़र ना पड़े, लेकिन जब पूरे देश से हजारों सहारा इंडिया जमाकर्ता मेल भेजना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान इस पे ज़रूर जाएगा। और इसी को ध्यान में रख करके हमने आपके लिए एक ईमेल फॉर्मेट तैयार किया है। उसको कहाँ से लेंगे और कैसे ईमेल करेंगे, आज हम इस वीडियो में उसकी पूरी जानकारी लेकर के आए हैं। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, पूरे देश के करोड़ों जमाकर्ताओं का पैसा सहारा इंडिया के अंदर फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति में सन 2012 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है, जिसके तहत सेवी के थ्रू आपको पैसा वापस लेना था, लेकिन आपका पैसा वापस नहीं दिया जाता है। जो लोग शुरू में क्लेम करते हैं उनको मिल जाता है, लेकिन देश के तमाम जमाकर्ताओं का पैसा कन्वर्ट कर दिया जाता है, पहले क्यूसॉप में और फिर सोसाइटी में। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश न मानने के कारण सहारा श्री सुब्रत राय को लोकसभा चुनाव 2014 के पहले, यानी कि जब मोदी जी की सरकार आई थी उससे पहले, सुब्रत राय को जेल भेज दिया गया था। जबकि जब मोदी जी की सरकार आई उसके बाद उनको पेरोल मिल गया, और मुझे लगता है कि लंबा पेरोल रहा। आपने देखा होगा कि पिछले साल पेरोल के दौरान ही उनकी मौत हो जाती है, और जिसके बाद पूरे देश के सहारा इंडिया जमाकर्ताओं के सामने एक संशय बन जाता है कि ऐसे में पैसा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। हालांकि 2022 में जैसे ही मुझे जानकारी मिली कि सहारा इंडिया का लाइसेंस रद्द हो गया है और उसके बाद भी लोग पैसा जमा कर रहे हैं, तो इसको मजबूती के साथ पूरे देश के सामने रखा। उसके बाद लोगों ने जागरूक होकर के पैसा जमा करना बंद किया। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं था, हालांकि मुझे डराया धमकाया गया था, लेकिन फिर भी आप लोगों के सपोर्ट से मैंने पूरे देश को बताया। अब लोगों का पैसा जमा करना बंद हो चुका है, लेकिन पैसा मिलने की बात है, और ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट का एक आदेश आया था जिसकी जानकारी हमने पूरे देश को दी और साथ ही एक फॉर्मेट बना के दिया था, जिसके बाद सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास आप लोगों ने क्लेम किया, जिसके तहत आपका पैसा मिलना चाहिए था। लेकिन भारत सरकार की तरफ से यहां भी चालाकी की जाती है और बाद में काफी दबाव बढ़ जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट जाकर के 5,000 करोड़ लेकर के आया जाता है, और कहा जाता है कि पहली बार जो लोग क्लेम करेंगे उनको 10,000 रुपया देंगे एक पोर्टल बना करके, और 45 दिन का समय बताया गया था केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा, और जो कि बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया, और कितने लोगों ने क्लेम किया इसके बारे में हम पीछे काफ़ी बता चुके हैं, हम उन बातों पे नहीं जाना चाहेंगे। मैं केवल आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले 10 साल से मोदी जी की सरकार है, और अभी तक अलग अलग जगहों पे आपने शिकायत लगाया, सब कुछ किया, उसके बाद भी पैसा नहीं मिला। ऐसी स्थिति में अब जब लोकसभा चुनाव 2024 आ चुका है, ऐसे में अलग अलग पार्टियों के पास आपकी बात पहुंचनी चाहिए, और इसी क्रम में जब हमने एक वीडियो देखा राहुल गांधी जिसमें मांग रहे हैं ईमेल पूरे देश के जनता से कि भाई आपका क्या मुद्दा है, हमें ईमेल कीजिए, तो हमने क्या किया, जैसे ही इस वीडियो को देखा वैसे ही हमने एक ईमेल किया, और जिसकी जानकारी हमने कल ही अपने वीडियो के माध्यम से दी है। उसके बाद हमारे उस वीडियो पे बहुत सारा कमेंट्स आया कि आप लोग भी एक ईमेल भेजना चाहते हैं। इसके बाद आप पूछेंगे कि मेल भेजने से क्या होगा, तो मेल भेजने से ये होगा कि अगर कांग्रेस नेता को इस बात की जानकारी मिल जाती, हालांकि उन्होंने 2015 में ही एक गंभीर आरोप मोदी जी के ऊपर लगाया था, और कहीं ना कहीं उम्मीद है, उन्होंने अपने एक वीडियो में ये भी बताया है कि वो पिछले 10 साल में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसका जाँच करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी सरकार आती है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनको पहले इन्फॉर्म कर दें कि भैया हमारा ये मुद्दा है। हालांकि मोदी जी को हम पहले से ही मुद्दा बताते आए हैं, चाहे वो पटना हाईकोर्ट के अंदर PIL के माध्यम से हो या फिर पूरे देश के लोगों ने जो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा हो। तो इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक सैकड़ों की संख्या में ईमेल करना शुरू कीजिए, और इसके लिए आइए मैं आपको लैपटॉप पे ले चलता हूँ कि आपको एक फॉर्मेट दिया है, हो सकता है आप या तो उसको कॉपी कीजिए या फिर उसी के हिसाब से आप ईमेल तैयार करके भेज सकते हैं और अधिक से अधिक संख्या में भेजिए। तो आइए हम आपको सीधे अपने लैपटॉप पे ले चलते हैं, जहाँ कैसे आपको ईमेल करना है उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी, और जाइएगा नहीं, आपसे एक सवाल भी मैं पूछने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसे ही हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का ये वाला लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करते ही हमारे इस वाले पोस्ट पे आ जाएंगे, जिसमें कि जो कल हमने ईमेल भेजा है उसकी जानकारी दी है, और उस पोस्ट पे आ जाएंगे। इसको आकर के ध्यान से आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद जैसे ही आप इस पोस्ट के लास्ट में आएंगे सबसे नीचे,
तो यहाँ पे आपको वीडियो हमारा दिखेगा और वीडियो के नीचे ही यह भी पढ़ें के ऊपर ये ड्राफ्ट मेल का लिंक है, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपको इस तरह से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे आपका जीमेल यहाँ पे आईडी लॉगिन होना चाहिए। जैसे ही ये खुले वैसे ही दूसरे टैब में अपना ईमेल आईडी भी खोल लीजिए और यहाँ से क्या करना है, सीधे यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है और कॉपी करके नीचे तक आएंगे और नीचे तक आने के बाद यहाँ से कॉपी करेंगे। उसके बाद सीधे अपने ईमेल आईडी के कंपोज में आएंगे और यहाँ पे आकर के स्क्रीन बड़ा करके यहाँ पे कंट्रोल भी कर दीजिएगा। भी करने के बाद यहाँ पे आपका कितना पैसा है, मान लीजिए मेरा 1,00,000 है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। लिखने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है जो कि थोड़ा बहुत रह जाता है, इसको आप सुधार कर सकते हैं। इसको आप सुधार करते हुए नीचे आइएगा और यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिए। ऐसे मैंने अपना नाम लिख लिया, हिंदी इंग्लिश कुछ में लिख दीजिए, यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल नंबर है वो लिख दीजिए। और क्या करना है, यहाँ पे हमने आपको सब्जेक्ट भी दिया है, सीधे आप इसको कॉपी कीजिए या फिर आप अपने हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट कोशिश कीजिए डालने की, ताकि वो स्पैम में ना जाए। और ये राहुल गांधी जी ने जो अपना ईमेल आईडी जारी किया है वो ईमेल आईडी है, इसको 2 में लगाइए और कोशिश कीजिए कि मुझे भी सीसी में लगा दीजिए, ताकि उसका कॉपी हमारे पास भी आ जाए और हमें पता चल सके कि आप में से कितने लोगों ने मेल भेजा है। यहाँ लगाने के बाद यहाँ सीसी में लगाइए और उसके बाद सीधे यहाँ से सेंड कर दीजिए। काफ़ी आसान है, जिससे क्या होगा, हमारे पास भी आपके एक ईमेल का कॉपी आ जाएगा। और आपसे जो सवाल पूछना था, हमें ये सवाल पूछना था कि क्या हमें देश के जो अलग अलग एमपी हैं अभी तक, क्या उनको भी ईमेल करना चाहिए, एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा तो मैं उनके लिए भी एक ईमेल का फॉर्मेट तैयार करके और फिर आपको इसी तरह से इसकी जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।